आकाशवाणी जम्मू है खबरें दे बुलेटिन च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने में प्रोमिला जम्वाल। देश भर च चलाया जा चार दिन का वैक्सीनेशन अभियान रमानदारी कन्ने जारी है। भारत दुनिया च सबनी शा तेज गति कन्ने वैक्सीनेशन करने वाला देश बनी गया है। 85वें दिनें च भारत च 10 करोड़ शा मते कोविड टीके लाए गए। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें दस्सिया जे घाटी च पिछले 72 घंटें च 4 टाकरें च 12 आतंकवादी मारे गए। बड़गाम जिले दे मागाम इलाके च 35 बरें दे एक व्यक्ति दी बेपनछानो बंदूकधारी हत्या कर दिती है। उन खबरें दी तफसील कन्ने राजेश मनसोत्रा। देश च 4 दिन चलने आला विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव रमानदारी कन्ने चलारदा है। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले हुंदी जयंती पर अज्जा थमां शुरू कीती गेदी ए मुहिम 14 अप्रैल गी डॉक्टर बी आर अंबेडकर हुंदी जयंती पर संपन्न होग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें सभनें गी अपील कीती है जे अज्ज जिसलै राष्ट्र 4 दिनें दा विशेष टीका उत्सव शुरू करारदा है तां सभनें गी चाहिदा जे ओह 4 नुक्तियां आले सिद्धांत दी पालमा करन। निजी ते समाजिक सफाई सुथराई की जरूरत उपर जोर पांदे होई प्रधानमंत्री होरें देशा दे नागरिकें गी अपील कीती जे ओ 4 सिद्धांतें दी पालमा करन। ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जेड़े लोग घट पढ़े लिखे दे न, बजुर्गन ते जेड़े आपू जाइए टीका नहीं लुआई सकदे उंदी मदद करो। ईच वन ट्रीट वन, मतलब जिन्हें लोकें कश उन्ने साधन नहीं हैं, जिन्हें की जानकारी घट है, उंदी कोरोना दे इलाज च सहायता करो। ईच वन सेव वन, मतलब मैं आपू भी मास्क लाइए अपने आप की सुरक्षित करना ते दुए की भी सुरक्षित करना। ते चौथी महत्वपूर्ण गल ए है जे कुसा की भी कोरोना होने की स्थिति च माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग आपू करन। जिथे एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला आया उत्थे परिवार समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाई लैन। प्रधानमंत्री होरें आखिया जे टीका उत्सव कोरोना महामारी खिलाफ दुई बड़ी जंग की शुरुआत है। उन्हें लोकें गी अपील कीती जे कोविड टीकें की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ते जिंदा टीका लाना बनता है वह टीका जरूर लुआन। अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, तय करें हम टीका उत्सव में 0 वेस्टेज होगा, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें और इसके लिए हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। भारत ने 10 करोड़ शा मते लोकें गी कोविड दा टीका लाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कीती है। भारत 85 दिन दे रिकॉर्ड समय च यह उपलब्धि हासिल करिए दुनिया च सभने शा तेज गति कन्नै वैक्सीनेशन करने आला मुल्ख बन गया है। ते भारत दी वैक्सीनेशन दी रफ्तार चीन ते अमरीका शा भी मती है। पिछले 24 घंटे च 1,52,879 नवे मामले देश भर च दर्ज होए। 10 राज्यें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात ते केरल च कोविड मामलें च मती तेजी आई है। देश दे कुल मामलें चा 80% इन्हें 10 राज्यें थमां गै न। इसलै सक्रिय मामलें दी गिनतरी 10,08,000 है, जेड़ी कुल मामलें दा 8.29% है। सेहत मंत्रालय मुजब पिछले 24 घंटे च कोविड-19 करी 839 मौतां होईयां, जिन्हें गी रलाई है कुल मौतें की गिनतरी 1,69,275 पुजी गई है। पुंछ जिले च कोविड-19 की रोकथाम के उपाएं का जायजा लैने आस्तै डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत होरें अधिकारियों की एक मीटिंग लाई है। सबने शा ब्यौरेवार जानकारी लैती। उन्हें जिले च हर थार 100% टैसट करने के निर्देश दिते। आकाशवाणी संवाददाता कन्नै गल करदे होई डीसी होरें आखिया जे जिला प्रशासन पुंछ च दाखिल होने आले हर एक व्यक्ति का टैसट करोग।
हमारे जो एंट्री पॉइंट हैं वहां से हमने कह दिया है कि एंट्री पॉइंट पे 100% टेस्टिंग कर लीजिएगा। दूसरा जो होम आइसोलेशन है उसके जो SOPs हैं उसको हमने कहा है कि उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर लीजिए, और जो ऑफिशियल आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करने का मतलब है जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी हम उनको यूज कर लेंगे। कोविड मामलें च तेजी के मद्देनज़र रामबन जिला मैजिस्ट्रेट मुसर्रत इस्लाम होरें 23 मार्च की एक आदेश जारी किया हा जे बिजन मास्क के सार्वजनिक थारें पाए जाने वालों की 300 रुपये जुर्माना किया जाग। इहदे मगरा रामबन पुलिस ने 479 दोषियों की अजे तक जुर्माने किए। जिले च बटोत म्यूनसिपल कमेटी लोकें की मुफ्त मास्क भी वंडारदी है ते लाउड स्पीकरें राएं लोकें की मास्क लाने आस्तै समझाया भी जारदा है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सेहत मिशन के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन होरें लखनपुर COVID-19 टेस्ट केंद्र का दौरा करिए जम्मू कश्मीर च दाखिल होने वाले के टेस्ट करने की सुविधाएं का जायजा लैता। गुआंढी राज्य पंजाब ते होरने राज्यों च COVID-19 के बधार के मामले की दिखते हुए यह दौरा महत्वपूर्ण हा। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव होर भी उनके कन्ने हे। डायरेक्टर होरें इस मौके पर दस्या जे तकरीबन 6,000 रैपिड टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। यहाँ पर MD NHM साहब भी आए हुए थे और हमारे दूसरे भी यहाँ पर जो नोडल अफसर है वो बोल रहे थे कि हम किस तरीके से लखनपुर में टेस्टिंग टाइम को भी और कम कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपना टेस्टिंग कवरेज भी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काउंटर भी यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इधर एंट्री पॉइंट पे चेक करना बहुत जरूरी है। वी आर डूइंग अराउंड 6,000 प्लस टेस्ट पर डे। 6,000 में से पॉजिटिविटी हमारी कोई अराउंड 0.3% के हिसाब से है, इस ज्यादा और चेक करने की जरूरत है। सो आज DC साहब के साथ हम यहाँ मौजूद हैं सो दैट द टेस्टिंग प्रोसेस कैन बी एक्सपेडाइटेड, लोगों को भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 10वीं शा 12वीं कक्षाएं गी और एक हफ्ते आस्तै बंद करदे हुए 18 अप्रैल तक बंद रखने दे आदेश जारी किए। उपराज्यपाल हुंदे दफ्तरै अज दपैहरी मगरा एक ट्वीट जारी करियै जानकारी दित्ती। इहदे शा पहले 4 अप्रैल गी पहली थमां 9वीं कक्षाएं गी 2 हफ्ते ते 10वीं शा 12वीं कक्षाएं गी 1 हफ्ता बंद रखने दी घोषणा कीती गई ही। ए आकाशवाणी जम्मू है। बाकी खबरें कन्नै प्रमिला जम्वाल। शुपियां कस्बे च सुरक्षाबलें इक टाकरे च दौं आतंकवादियें गी मारी मकाया। एह्दे कन्नै इस टाकरे च मरोने आले आतंकवादियें दी गिनतरी 3 होई गई ऐ। इक आतंकवादी कल राती मारिया गया हा। पुलिस ते सुरक्षाबलें नमें भर्थी होए दे आतंकवादियें दे आत्मसमर्पण गितै कोशिशां कीतियां। उंदे माता पिता ने भी अपील कीती पर आतंकवादियें उनेंगी आत्मसमर्पण नहीं करन दित्ता। पुलिस अधिकारियों मुजब एक टकोदी सूह पर कार्रवाई करते हुए शुपियां जिले के हादीपुरा इलाके च एक तपाश अभियान चलाया गया। आतंकवादी इस दौरान सुरक्षा बलें पर फायर खोली दिता। सुरक्षा बलें भी परता दिता ते मगरा टाकरा भखी पिया। उआं अजे ए पता लाना है जे आतंकवादी केड़े आतंकी संगठन कने ताल्लुक रखते हे। उन्दे कब्जे शा एक AK-47 रफल ते एक पिस्तौल बरामद कीती गई है। सेना दे एक प्रवक्ता ने दस्या जे सांझी तपाश मुहिम अजे चलरदी है। अनंतनाग जिले के बीज बिहाड़ा इलाके च भखे दे इक टाकरे च सुरक्षाबलें दौं आतंकवादियों की मारी मकाया। कल चिरें राती अनंतनाग च सुरक्षाबलें ते आतंकवादियों बश्कार टाकरा भखी पिया हा। तपाश अभियान अजें भी चलरदा है। कश्मीर घाटी दे IGP विजय कुमार होरें दस्या जे टाकरे च मरोने आले दो आतंकवादी सेना दे एक जवान दी हत्या लई जिम्मेवार हे। इक बयान च जम्मू कश्मीर पुलिस दे महानिदेशक होरें दस्या जे ए दमै बड़े चिरे थमां सरगर्म हे ते मते हारे आतंकी अपराधें च शामिल हे। उनें दस्या जे एदे कन्नै घाटी च पिछले 32 घंटें च 4 बक्ख बक्ख टाकरें च 12 आतंकियें दा सफाया कीता गया है, जेदे नै आतंकवादी संगठन अंसर गजवात उल हिंद दा भलेआं सफाया होई गया है। डीजी पुलिस ने दस्या जे मरोने आले 12 आतंकियें चा 7 आतंकी त्राल ते शुपियां च मरोए, अलबद्र दे 3 आतंकी हाथीपुरा शुपियां च ते AK-2 रेजिस्टेंस फ्रंट दे बीज बिहाड़ा च मारे गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे सलाहकार बसीर अहमद खान होरें अज रामबन दा दौरा लाइयै आउंदी 28 जून गी शुरू होने आली श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 गितै जिला प्रशासन आसेआ कीते गेदे यात्रुएं दी सहूलत गितै कीते गेदे प्रबंधें दा जायजा लैता। रामबन दे डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत इस्लाम, ADC रामबन ते जिला प्रशासन दे दुए सीनियर अफसर भी इस मौके उत्थे मौजूद हे। सलाहकार होरें गी जानकारी दिंदे होई डिप्टी कमिश्नर होरें दस्या जे जिला प्रशासन ने यात्रुएं दे ठहरने दी व्यवस्था कीती दी है।
बड़गाम जिले दे मागाम इलाके च अज एक बेपंछानू बंदूकधारी ने 35 बरें दे एक आदमी दी गोली मारी हत्या कर दिती। बड़गाम दे SSP ताहिर सलीम होरें आख्या जे बंदूकधारी ने मागाम दे बूचीपुरा ग्रां दे बसनीक नासिर अहमद खान दे घर जाइए उहदे पर 5-8 गोलियां चलाईयां। खान की गंभीर हालत च कोले दे अस्पताल लिता गया जिथे उसी मृत घोषित करी दिता गया। डोडा जिले च पुल डोडा थमां ब्यौली सड़क दे मरम्मत सुधार दी पुरानी मंग पूरी होई गई है। सड़का दा 90% काम पूरा होई गया ते बाकी बचे दे हिस्से पर काम जारी है। पुल डोडा ब्यौली सड़क डोडा जिले गी राष्ट्रीय जरनैली सड़क कन्नै जोड़ने आली इक महत्वपूर्ण सड़क है। इस कम्मे पर 10 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाती है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का हर अमला बैठता है और यहाँ मतलब जितने भी लोग आते हैं कुछ दिक्कत आती है, हमें पुल डोडा से लेके डोडा तक फिलहाल दिक्कत आती है, लेकिन एक बार पहले जब ये काम स्टार्ट हो उसके बाद नजरें बांध की वजह पे हुआ था, लेकिन शुक्र है कि आज फिर स्टार्ट हो गया। हाँ, इस रोड पे पहले तो बहुत बुरा हाल था, दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं चल सकती थी, लेकिन अब रोड की वाइडिंग हुई है और लगभग काम भी कम्प्लीट है, तो अब लोगों को फायदा ही होगा। 2-4 दिन में सुनने में आया कि लुक भी इसको डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव ते साबका MLC विबोध गुप्ता ने एक बयान जारी करिए सबने की रजौरी दिवस समारोह शामिल होने लिए आख्या। उन्हें आख्या जे रजौरी दी रक्षा ले बलिदान देने आले शहीदें की श्रद्धांजलि देने ले ए दिन मनाया जाता है। श्री गुप्ता ने उन्हें वीर सैनिकें की नमन किया जिन्हें 13 अप्रैल 1948 की रजौरी की हमलावरें शा मुक्त कराया। उन्हें दसिया जे एकती रजौरी दिवस पर शानदार समारोह होग जिदे च कारोबारी संगठन धार्मिक संस्था शिक्षा संस्थान ते आम नागरिक हिस्सा लैंगन। उन्हें उपराज्यपाल हुंदे अगे अपील कीती जे रजौरी दिवस की मानता देइए रजौरी जिले छुट्टी घोषित कीती जा। अखीर च मुख खबरां एक बारी फिर। देश भर च चलाया जा रहा 4 दिन का वैक्सीनेशन अभियान रमानदारी कन्नै जारी है। भारत दुनिया च सभने शा तेज गति कन्नै वैक्सीन करने आला देश बनी गया है। 85 दिनें च भारत ने 10 करोड़ शा मते कोविड टीके लाए न। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें दस्सिया जे घाटी च पिछले 72 घंटे च 4 टाकरें च 12 आतंकवादी मारे गए न ते बड़गाम जिले के मागाम इलाके च 35 बरें के एक व्यक्ति की बेपंछानू बंदूकधारियें हत्या कर दी है। एदे कन्नै गै इस बुलेटिन दे समाचार समाप्त होए।